हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ हेयर रैप हेयर स्टाइल, और इसके लिए हमें चाहिए बस ये एक ऊन और मतलब कोई भी कलर धागा, और शुरू करते हैं। और अगर आपको ये हेयर स्टाइल अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस हेयर स्टाइल के लिए मैं यहाँ पे ऊन का यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने ऊन ली है डबल करके अपने बालों की लेंथ के बराबर, और आपको जहाँ भी ये बनाना है आप वहाँ पे छोटा सा पार्ट ले लें हेयर्स का, जैसे मैंने लिया है। सो अब हम इस पे एक नॉट बनाएंगे, तो मैं ज़ूम करके आपको दिखा देती हूँ कि नॉट कैसे बनानी है। सिंपल है ये, अब हम इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल जैसे हम अपनी चोटी बनाते हैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, और थर्ड पार्ट हमें इस ऊन को कंसिडर करना है। तो अब हमें बेसिकली एक चोटी बनानी है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसे चोटी बना लेती हूँ। थोड़ा सा और स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को। तो ये हेयर स्टाइल आप छोटे बालों पे, बड़े बालों पे बना सकते हैं। बड़े बालों पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और छोटे बालों पे ये बहुत जल्दी बन जाएगा। सो अब हम यहाँ पे लास्ट में भी जहाँ तक आपको इसे बनाना है उसके बाद आप इस पर एक नॉट लगा दें, और ये खुलेगा नहीं, ये मैंने इसे टाइट कर दिया। जो ये एक्स्ट्रा ऊन है आप इसको कट कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसे कट कर दूँगी। सो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये हेयर स्टाइल। सो अगर आपको ये एक साइड बनाना है तो आप एक साइड भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे दूसरी साइड भी बनाऊंगी इसे। तो अब फटाफट इसे दूसरी साइड भी बना लेते हैं। तो मैं अब इसे लास्ट में यहाँ पे भी सिक्योर कर दूंगी। आप चाहो तो इसे नीचे तक भी बना सकते हो ऐसे। तो हमारी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है, और सच में ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है। मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा इसका लुक आएगा, और मुझे तो वैसे फाइनली ऐसी ही अच्छी लग रही है। बट आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक इसको ऐसे ट्विस्ट करने के बाद आप इसे ऐसे करने, ऐसे ट्विस्ट करके यहाँ पे पीछे एक रबर बैंड लगा सकते हैं या क्लचर छोटा वाला लगा सकते हैं, तो ये ऐसा लगेगा कि आपने हेयर बैंड लगाया हुआ है ना। और सिंपली बिना ट्विस्ट करे भी आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, ऊपर से भी ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं दिखाना है पीछे का रबर बैंड, तो आप इसको अंदर से यहाँ पे भी रबर बैंड, एक नॉर्मल रबर बैंड लगा के इसको छोड़ सकते हैं, और ऐसा लगेगा कि आपने लगाया हुआ है बैंड। सच में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार, बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई होप आपको ये हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।